तो अब कोड़ा वालों को 6000 मिलने चाहिए। 6000 हमें पता चला ना कैसे हुए, तो 6000 ही क्यों लिए, क्योंकि उसको 30000 तो लाभ, 1,80,000 लाभ हुआ, उसमें से 30000 तो उसको मिल रहा है, 6000 कम पड़े तो ये 6000 ये दोनों मिलके देंगे कौन से प्रमाण में, तीन और दो में, कौन सा प्रमाण, तीन और दो बराबर। अब तीन के नीचे क्या लगाएंगे, पाँच, क्योंकि ऑलरेडी इनका टोटल ही आता है, बता दिया था पहले ही, ठीक है। यहाँ पर छः इसलिए लगा क्योंकि तीनों को बीच लाभ बांटना है, पर ये 6000 तो ये दोनों देंगे, इसको तो मिल रहा है कोड़ा वालों को, तो इसलिए ये 6000 कोड़ा वाला के बीच में बांटेंगे नहीं, ये 6000 यूसुफ और हारून अपने लाभ में से निकाल कर कोड़ा वाला को देंगे। तो यूसुफ और हारून तीन और दो के प्रमाण में देंगे, उसकी गणना हम करते हैं, गणना यहाँ पर समझा रही हूँ, हम डायरेक्ट कैलसी में भी कर सकते हैं। 6000 गुणा 3 भाग 5, तो 6000 गुणा 3 भाग 5, तो हम देखेंगे यहाँ पर 6000 गुणा 3 भाग 5, ठीक है। तो यहाँ पर 6000 गुणा 3 भाग 5, 3600 रुपये हुआ, कितना हुआ 3600। अब 6000 गुणा 2 भाग 5, उसके कितने होंगे 2400, हम देख लेते हैं कैलसी में। 6000 गुणा 2 भाग 5 2400, तो 3 था वो यूसुफ का था ना, तो यूसुफ का कितना 3600 और हारून का कितना 2400, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यूसुफ 3600 रुपए अपने लाभ में से निकाल के देगा कोड़ा वाला को, और ये देगा 2400, ये दोनों निकाल के देंगे और इसके क्या हो, इसको मिलेंगे, तो इसको कौन सी रकम कहेंगे, इन दोनों ने दी और इसने ली, यानी लेना देना की रकम, यहाँ पर लिखेंगे लेना देना की रकम। अब इसको 90 मिल रहा था पर उसमें 3600 निकल जाएंगे बराबर, 90000 में से 3600 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर हम कैलसी में गणना करेंगे, 90000 माइनस 3600 तो हुए 86400। फिर यहाँ पर दूसरे की गणना करेंगे, 60000 गुणा सॉरी माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे 2400, 57600, 60000 में से 2400 क्या होगा माइनस, तो कितना हुआ 57600। तो हमें पूछा था सवाल क्या, कि साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा कैसे होगा, तो 90, 60 और 30 वो लाभ का बंटवारा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उनको पहले बांटा गया था, पर देखा जो इसको यहाँ पर गारंटी दी थी वो 30, 36 नहीं मिल रहा था, 36 करने के लिए इन दोनों ने अपने लाभ में से रकम निकाल के इसको दे दी, तो अब रियल में लाभ हानि उनके बीच में ये बच गया लास्ट में। हाँ, अगर गारंटी नहीं दी थी तो ये लाभ रखते थे 90000, 60000, 30000, क्योंकि आज तक हमने 8 सवाल किए उसमें भी यही देखा, जो लाभ आया वही दे दिया, पर इस बार क्या हुआ, गारंटी दी थी उसके उतने नहीं मिले, तो इन दोनों ने अपने लाभ में से इसको निकाल के दे दिए। इस तरह से लेना देना की रकम, यानी साझेदार के बीच में लाभ का बंटवारा कैसे हुआ, तो आप लास्ट में आंसर भी लिख सकते हो, साझेदारों के बीच में लाभ का बंटवारा, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं साझेदारों के, आपको पूरे वाक्य में लिखना है, भले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साझेदारों के बीच में लाभ के बंटवारे की रकम, और ये रह गया आपका आंसर, बराबर है।